पलवल के हुडा सेक्टर 2 में एक अस्पताल में फर्जी लैब चलाने का मामला सामने आया है। प्रशांत पैथ लैब पर एक डॉक्टर के फर्जी तरीके से हस्ताक्षर स्टैंप इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। डॉक्टर की शिकायत के आधार पर थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और करेंटली मैं अभी राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में वर्क कर रहा हूँ, आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर में। तो मुझे कमिंग इसी मॉर्निंग ये पता लगा कि यहाँ पर एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उनके एजेंट हैं, वो मेरे पास आए। वो कह रहे हैं कि सर आपके नाम से क्लेम हो रहे हैं तो आपने इन ये रिपोर्ट्स आपने वेरीफाई किए हैं? वो उनके पास कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी तो उन पे मेरा नाम, मेरा स्टैम्प और मेरा डीएमसी नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने वो मेरे ना तो मेरे मैंने साइन किया था ना ही वो स्टैम्प फेक थी, साइन भी फेक थे। और वो बता रहे थे कि उनसे उन रिपोर्ट्स पे ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये गुरु गोरखनाथ हॉस्पिटल है, इसके अंदर लैब है और लैब है वो प्रशांत लैब, प्रशांत के नाम से वो लैब है और ये सेक्टर 2 में है। कल डॉक्टर सुखपाल जी हैं जो दिल्ली में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल में आईसीयू में अभी तैनात हैं। उन्होंने आकर के एक कंप्लेंट कल हमारे को दी थी जिसमें सिटी पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च की गई है। उन्होंने बताया कि मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर और मेरे नाम से मिसयूज हो रहा है और सेक्टर 2 हुडा में गोरखनाथ हॉस्पिटल है, उसमें पैथ लैब है, उसमें मेरे से फर्जी झूठे साइन कर करके नहीं और झूठी रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं, इस पर हमने FIR लॉन्च कर लिए। पलवल में फर्जी लैब रिपोर्ट्स के आधार पर गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे फर्जी हॉस्पिटल पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी की ये कार्रवाई दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर सुखपाल सिंह की शिकायत पर की गई, जिसके नाम को स्टैंप और DMC नंबर का प्रयोग लैब रिपोर्ट्स और मेडिकल ओपिनियन में किया जा रहा था। पुलिस इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर हॉस्पिटल को सील करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुरेश कुमार को हिरासत में ले लिया। दिल्ली के प्रहलादपुर के रहने वाले MBBS डॉक्टर सुखपाल सिंह ने शिकायत दर्ज कर शहर के हुडा सेक्टर 2 में गुरु गोरखनाथ अस्पताल में चल रही प्रशांत लैब में सभी प्रकार की रिपोर्ट फर्जी तरीके से तैयार की जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। समाचार प्लस के लिए पलवल से ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट।